दोस्तों, भारत ने सीमा पर जबरदस्त तैनाती कर दी है। भारतीय वायुसेना के सैकड़ों लड़ाकू विमान इस वक्त चीन की सीमा के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट राफेल, MiG-29, सुकोई SU-30, MKI और टैंक किलर अपाचे हवा में गश्त लगा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी लड़ाकू विमान पर ब्रह्मोस और अग्नि-5 जैसे परमाणु मिसाइलों को भी तैनात कर दिया गया है। पलक झपकते ही चीन में महाविध्वंस ला सकता है भारत। भारत की आक्रामक तैयारी को देखते हुए अब चीन ने भी धीरे धीरे अपने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत और चीन में अगले एक महीने में भयंकर युद्ध हो सकते हैं। भारत के विस्फोटक तैयारी को देखकर चीन क्या कर रहा है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। चीन बेहद डरा हुआ है और जैसे तैसे वे भारत से युद्ध लड़ने के लिए अब तैयार हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत से ताकतवर नहीं है चीनी वायुसेना। फिल्फर सेंटर के मार्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार भारत के पास लगभग 270 लड़ाकू विमान और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों को निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। वहीं इस स्टडी के अनुसार चीन के पास मात्र 157 फाइटर जेट्स और एक छोटा ड्रोन का बेड़ा भी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन के सभी फाइटर जेट्स कॉपी किए हुए चाइनीज डुप्लीकेट 3rd ग्रेड का लड़ाकू विमान है। चीन के कई सारे फाइटर जेट में जंग लगे पड़े हैं। इसी कारण भारत से निपटने के लिए आनन फनन में चीन बौखलाया हुआ है और भारत को गिदर भभकी देने के लिए चीन तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। इस स्टडी में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारत से लगी सीमा क्षेत्र में 8 ठिकानों का उपयोग करती है, लेकिन इसमें से अधिकांश नागरिक हवाई क्षेत्र है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। आखिर क्यों भारतीय सैनिकों के साहस के सामने चीनी सैनिक घुटने टेक रहे हैं, इन सभी खबरों पर बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा सलाम। देश प्रेमियों, इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिखें और हमारी सेना का हौसला बढ़ाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना ना भूले। देशवासियों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। सूत्रों ने कहा कि भारत ने अपने उच्च तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमानों सहित अपने लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी LAC पर अभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं। भारतीय वायुसेना चीन के वायुसेना की पैंट गीली कर चुकी है। बखलाहट में आकर चीन भारतीय सीमा के करीब हवाई किले बना रहा है। दोस्तों, चीन बेहद विस्फोटक तरीके से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश भी कर रहा है। भले ही उसे पता हो कि वे युद्ध हारेगा, इसके बावजूद भी वे भारत को आग दिखाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में भारी तनाव के बीच चीन ने भारतीय सीमा पर अक्साय चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हवाई रक्षा किले तैयार कर लिए है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि भारत के साथ लगती सीमा पर ड्रैगन की मंशा ठीक नहीं है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने जो एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है, उसमें अत्याधुनिक रडार, सतह से हवा में मारने वाले मिसाइलें और अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल है, और ये सब चीन भारत से डरकर बौखलाहट में कर रहा है। जारी सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आ रही है कि चीन ने करीब 35 जगहों पर भारत से मुकाबले के लिए तैयारी की है। इसमें कुछ एयर डिफेंस नेटवर्क के अड्डे पुराने हैं और कई नए बनाए गए हैं। चीन ने ज्यादातर नए सैन्य ठिकानों का निर्माण डोकलाम विवाद के बाद किया है। चीन ने लद्दाख सीमा, उत्तराखंड सीमा, भूटान सीमा और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सतह से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइल तैनात कर दी है, और ये सब वे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डर से कर रहा है। इस ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने भारत से लगती सीमा पर व्यापक और आक्रामक रवैया अख्तियार कर रखा है। उन्होंने भारतीय वायुसेना को चीन की तैयारी को लेकर आगाह किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन LAC के पास अपने एयरबेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रहा है, अपने फाइटर जेट के लिए नए हैंगर बना रहा है और लाइटिंग सिस्टम भी सुधार रहा है। चीन अपने एयरबेस में चारों तरफ से बंद हैंगर तैयार कर रहा है, जिसमें चीन अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रख सके। हैंगर की दीवार को 3 मीटर से भी ज्यादा मोटा बनाया जा रहा है और हैंगर के दरवाजे को सिंगल पीस स्ट्रॉन्ग स्टील प्लेट से तैयार किया जा रहा है। इन्हें इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि 300 से 500 किलो के
बम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग बम से हैंगर में भरे फाइटर जेट को नुकसान ना हो। चीन पाकिस्तान में स्कर्दू एयरबेस में भी नया लाइटिंग सिस्टम लगा रहा है ताकि 2400 घंटे हर मौसम में एयर ऑपरेशन जारी रखा जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत से निपटने के लिए चीन अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा है और इसी कारण वे लगातार नए नए पेंद्रे भी अपना रहा है। चीन ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे देखकर अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। सैटेलाइट में एक बेहद भयंकर नजारा दिखा है। चीनी ड्रोन के बीच क्या कर रहा है J-16 लड़ाकू विमान, सीक्रेट खुला तो उड़ी अमेरिका की नींद। चीन के ड्रोन सेना के बीच हाल ही में नजर आए J-16 फ्लैंकर लड़ाकू विमान की गुत्थी। J-16 फ्लैंकर लड़ाकू विमान की गुत्थी को रक्षा विशेषज्ञों ने आखिरकार सुलझा लिया है। दावा किया गया है कि चीन इन दिनों लड़ाकू विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की टेस्टिंग कर रहा है। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो आने वाले दिनों में J-16 लड़ाकू विमान को किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे युद्ध के दौरान पायलटों के जान की रिस्क कम होगी और हवाई क्षमता में भी भारी बढ़ोतरी होगी। AI तकनीकी से लड़ाकू विमान उड़ा रहा चीन, विशेषज्ञों की इस संभावना से अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। हालांकि अमेरिका और रूस पिछले साल से इस तकनीक को लेकर ट्रायल कर रहे हैं। अमेरिका स्काई वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम चला रहा है। ये प्रोग्राम उन्नत स्वास्थ्य क्षमताओं के साथ मानव रहित लड़ाकू विमानों को जोड़ने पर केंद्रित है। 1 जून को ली गई तस्वीर में दिखा था लड़ाकू विमान। 1 जून 2021 को चीन के शेंजियांग मलान के पास बने एक गुप्त परीक्षण स्थल पर प्लैनेट लैब्स सैटेलाइट ने ड्रोन के साथ लड़ाकू विमान की तस्वीर ली थी। इस फोटो में बेस पर परीक्षण किए जा रहे विभिन्न ड्रोनों का एक लाइन अप दिखाया गया है। इस तस्वीर में दिखने वाले हर एक ड्रोन को पहले ही पहचाना जा चुका है। इन ड्रोन्स को एक विशाल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैंगर के पास खड़ा किया गया है। ये हैंगर एयरबेस के पश्चिमी हिस्से में बना हुआ है। ड्रोन के बीच लड़ाकू विमान क्या कर रहा, इस तस्वीर में लोगों का ध्यान जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा वे ड्रोन्स के बीच मौजूद एक लड़ाकू विमान था। इस लड़ाकू विमान की पहचान J-16 फ्लैंकर नाम से की गई। चीन के लड़ाकू विमान इस एयरबेस पर ट्रेनिंग के लिए अक्सर आया करते थे, लेकिन पहले कभी भी मानव रहित विमानों यानी ड्रोन के साथ मानव युक्त लड़ाकू विमान को खड़ा नहीं देखा गया है। रक्षा विशेषज्ञों की 2 संभावनाएं जानिए। एक्सपर्ट ने पहली संभावना में बताया कि हो सकता है चीन लड़ाकू विमानों को ड्रोन के साथ उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हो। इसमें ड्रोन को लड़ाकू विमान में लगाकर हवा से लॉन्च किया जाता है, जिससे दुश्मन के हवाई क्षेत्र में जाए बिना लड़ाकू विमान उस जगह ड्रोन की मदद से नष्ट कर सकता है। दूसरी संभावना ये जताई गई कि चीन के इस लड़ाकू विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कर उड़ाने की तैयारी की जा रही है। इससे युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों के पायलटों को दुश्मन के इलाकों से दूर रखने में मदद मिलेगी। भारतवासियों को मेरा सलाम। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर जगह शेयर कर दे। साथ में नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाए और आप अपने दिन को भी शुभ बना ले।